हेलो गाइस, वेलकम टू आरजे मेरा। आज हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के अंदर जोहड़ तथा राजस्थान के अंदर महाराजाओं की छतरिया। और आप अभी देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये पेड़ है, ये जाल का पेड़ है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। तो अभी हम राजस्थान के बीकानेर जिले के रेडमलसर गांव के अंदर आए हुए हैं। तो अभी हम आपको यहाँ पर बने हुए देवकुंड सागर, यहाँ के जोहड़ तथा राजा महाराजाओं की छतरियों को दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आपको उनकी विशेषताएं भी बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे तथा हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो अभी आप देख सकते हैं ये देवकुंड सागर है और ये इधर जाल के पेड़ लगे हुए हैं, जिनका राजस्थान के अंदर बहुत ही धार्मिक महत्व है। और इधर आप देख सकते हैं नीचे तालाब बने हुए हैं, जिनमें अभी बारिश ना होने के कारण पानी नहीं है। यदि बारिश होती तो ये पानी से लबालब होते। अभी बारिश कम है यहाँ पे। तो अभी हम आ गए हैं राजा महाराजाओं की छतरियों के पास। तो आप देख सकते हो चारों ओर हमारे राजा महाराजाओं की छतरियाँ या उनके समाधि स्थल बने हुए हैं। ये बीकानेर के राजा महाराजाओं के समाधि स्थल बने हुए हैं। इनको हम पास से भी दिखाएंगे आपको। ये आप देख सकते हो कितने सुंदर और बहुत ही बड़े एरिया के अंदर ये राजा महाराजाओं की छतरियाँ बनी हुई है। तो आप देख सकते हो इन छतरियों के आगे बोर्ड भी लगे हुए हैं। ये अलग अलग राजा महाराजा, उनके पुत्र या राजकुमारों की छतरियाँ बनी हुई है। इनमें से कुछ छतरियाँ ये आप देख सकते हो वाइट कलर के पत्थर से या संगमरमर से बनाई गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल आरजे मेहराम को सब्सक्राइब जरूर करें।